अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर सदीक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबई स्काई। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यूएई की जो सबसे बड़ी कंपनी है ट्रांसगार कंपनी, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बहुत से दोस्त मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे कि अबू बकर भाई, ट्रांसगार कंपनी के हवाले से हमें बताएं कि ट्रांसगार कंपनी कैसी है, क्या ये सैलरी टाइम टू टाइम देती है या नहीं देती, क्या ये हमें रूम जो है मेडिकल ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, क्या इसका 3 साल का वीज़ा होता है या 2 साल का वीज़ा होता है। तो आज इसके हवाले से इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं हम ट्रांसगार्ड कंपनी की। तो ट्रांसगार्ड कंपनी के हवाले से ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ और मैं बता भी चुका हूँ, जो ट्रांसगार्ड कंपनी है ये एक फ्री जोन कंपनी है और फ्री जोन कंपनी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि इसमें आप किसी भी टाइम इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है, ये ट्रांसगार्ड कंपनी जो है वो आपको रूम मेडिकल जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह देती है या नहीं देती। तो बिल्कुल आपको कंपनी की तरफ से जो है ट्रांसगार्ड कंपनी जो है वो आपको रूम मेडिकल ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगी। उसके बाद बात आती है फूड की। तो फूड किसी जगह पे जो है इनको दिया जाता है और किसी जगह पे नहीं दिया जाता। उसकी रीज़न ये होती है कि जहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है वो अगर आपको चाहें तो फूड दे सकते हैं, अदरवाइज कंपनी की तरफ से आपको किसी किस्म का कोई फूड नहीं दिया जाता। उसके बाद बात आती है सैलरी की। तो सैलरी आपको टाइम टू टाइम मिलती है या नहीं मिलती। तो सैलरी जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, इसमें किसी किस्म की कोई पेंडिंग सैलरी नहीं रखी जाएगी, आपको हर मंथ में आपको सैलरी आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो जो दोस्त ट्रांसगार्ड कंपनी के हवाले से परेशान थे कि ट्रांसगार्ड कंपनी पता नहीं कैसी है, हम उसमें वीज़ा अप्लाई करेंगे, हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर वीज़ा मिल भी जाता है तो उसके बाद हमें वहाँ पर जाने के बाद पता नहीं सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ट्रांसगार्ड कंपनी में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आप ट्रांसगार्ड कंपनी में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो मैंने फैसिलिटीज़ बताई हैं वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं ताकि जो दोस्त ट्रांसगार्ड कंपनी के हवाले से परेशान है तो उनकी ये परेशानी दूर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।